नमस्कार दोस्तों, मैं मुरली कुमावत। आज मैं आपको बताऊंगा सिलाई मशीन से तुरपाई कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास कोई सी भी मशीन हो, चाहे जो हम घर में यूज करते हैं, ऑप्सीटल मशीन, अम्ब्रेला मशीन, ये बड़े वाले मशीन, जिससे मैं आपको तुरपाई करके बताऊंगा आज, ठीक है। मैंने ये कपड़ा ले लिया है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मशीन की स्पीड है वो स्लो करनी होगी। मैं मशीन की स्पीड स्लो कर लेता हूँ। तीन सौ तक आपको कपड़े को इस टाइप से फोल्ड करना है। सिलाई बड़ी कर लेनी है, जितनी आपकी मशीन में बड़ी हो सकती है उतनी बड़ी कर लेना है। सिलाई बड़ी होगी उतनी अच्छी आपकी तरपाई होगी, ठीक है। इस टाइप से सिलाई लगा लेनी, कच्चा टांका लगाना एक बार इस टाइप से। ये हो गया। अब ये वाला भाग है, इसको थोड़ा आधा सूत इससे बाहर रखना है, ऊपर वाले से बाहर रखना है। अब मतलब एक या दो धागा ही इसमें सुई में पकड़ाना चाहिए। सुई जितनी हो सके उतनी छोटे साइज की होनी चाहिए, जैसे 14 नंबर या 16 नंबर, उससे बड़ी होगी तो तिरपाई अच्छी नहीं होगी। इस टाइप से आपको लगा लेना है आराम से। जो हम हाथ से तिरपाई करते हैं उससे भी अच्छी ये तिरपाई होने वाली है। ये देखिए, ये लगा दिया। अब मैं दिखाता हूँ आपको। अब ये कच्चा टांका जो हमने लगाया था इसको हटा लेना है। तिरपाई बहुत अच्छी होती है, आप सलवार सूट में या पैंट जो आप चाहो उसी में ये तिरपाई कर सकते हो, बहुत बढ़िया होती है तिरपाई। गैप सब का समान रहता है इसके अंदर, हाथ से करते हैं उसका समान नहीं रह सकता ना। ये देखिए, ये कच्चा टांका हमने हटा लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से। देखिए अंदर से इस टाइप से दिखेगा, बाहर से ये देखिए पता ही नहीं चल रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। आप एक बार ट्राई करके देखो, बहुत अच्छी तरपाई होती है। दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और लाइक ज़रूर करना। ये देखिए, एक बार ट्राई ज़रूर करना है आपको। चलो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।